हमारे साथ मौजूद है साहित्यकार डॉक्टर रामलखन चौरसिया जी। आइए इनसे पूछते हैं। चौरसिया जी, ये बताइए कि आप एक साहित्यकार हैं, आप समाज को एक साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं जी। तो आप हमको यह बताइए कि इस संस्था के द्वारा जो समाज के लिए कार्य किया जा रहा है वह किस सकारात्मक परिवर्तन का किस हद तक सफल रहा है, इस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिएगा जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर रामलखन चौरसिया वागीश है जी। मैं अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन का प्रदेश सचिव हूं जी। और कहानियां लिखता हूं, लेख लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं जी। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छी सवाल आपने किया है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से समाज को क्या लाभ मिला। हमारे समाज की एक पत्रिका निकलती है नॉगवेल, वो चौरसिया समाज के हितों के लिए काम करती है। सबसे पहले किसी समाज के उत्थान के लिए जरूरी है कि उस वह समाज मानसिक रूप से उठे और बौद्धिक रूप से उठे, वैचारिक रूप से उठे, और साहित्य समाज में विचारधारा पैदा करती है। हमारे साहित्य जो नागवेल है उसमें के लिए मैंने लेख लिखा, कविताएं लिखी, कहानियां लिखा। परिणाम हुआ कि लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी विचारधारा समाज की सेवा के प्रति उनकी में विचारधारा पैदा हुई, जिसका परिणाम हुआ कि ये संस्थाएं बनी। और यही नहीं, इलाहाबाद में नहीं, तमाम देश में संस्थाएं बनी जी। और इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किया हमारे चौरसिया समाज के बच्चों, गरीब बच्चों की पढ़ाई की दिशा में, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानियां रही तो हमारे भोला जी ने इसके लिए बहुत हमेशा प्रयत्नशील रहे। मतलब ये साहित्य के माध्यम से ही लोगों के मन मस्तिष्क को वास करने का हम लोग काम करते रहे और एक समाज को, एक संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने का काम किया गया। यानी साहित्य के माध्यम से, कविता लेख के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं जिससे कि वो लोग आगे बढ़ सके, एक प्रेरणा का स्रोत ले सके, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश आए, विचारधारा उनकी प्रवाहित हो, बदले, ताकि वो अपने उत्थान के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संस्था से जुड़े और उसके लिए कार्यशील रहे। धन्यवाद चौरसिया जी।